इस ग्रेवी का कलर और स्मूथ टेक्सचर देख के कोई कह सकता है कि ये रेसिपी मैंने घर पर बनाई है? नहीं ना, तो चलिए इसका सीक्रेट रिवील करते हैं। लगने वाले सारे सीक्रेट मसाले और इंग्रेडिएंट्स मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में बताऊंगी, जिसकी वजह से आपकी जो रेसिपी है ना वो सेम ढाबा स्टाइल नहीं बल्कि ढाबे की तरह ही बनेगी, क्योंकि ये जो सारी रेसिपीज़ हैं वो मैंने पर्सनली ढाबे पे जाके उनसे पर्सनली ट्रेनिंग लेके सीखी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 10 से 12 काजू, जिसे मैंने दो सेक्शन में डिवाइड करके इसमें पानी ऐड करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसा सीक्रेट मसाला जो ढाबा वाला यूज़ करते हैं। इसी सब्ज़ी में डालने के बाद में है ना जो रेसिपी है ना वो टर्न आउट हो जाएगी ढाबे की रेसिपी में। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कोरिएंडर सीड और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। सेम क्वांटिटी में ऐड करेंगे जीरा यानी कि 2 चम्मच और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम डालेंगे तेज पत्ता, एक छोटी वाली जावेत्री, 2 बड़ी काली इलायची, 2 दालचीनी के पीसेस, 2 लौंग, 1 बड़ी वाली ग्रीन इलायची और लास्ट में डालेंगे काली मिर्च। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इन सारे मसालों को हम सिलवट्टे पे पीस के लेंगे, इसकी वजह से इसका जो स्वाद है ना वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 बड़े अदरक के टुकड़े और 3 से 4 भिगोई हुई लाल मिर्च और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। अब यहाँ पे मैंने 3 मोटे वाले प्याज लिए हैं, जिसे मैंने लंबा काट कर डीप फ्राई करके लिया है और इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। यही तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो ढाबे में यूज किए जाते हैं, आप इसे जरूर बना के देखिए। ये हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम वो काजू लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में भिगा के लिए थे और इसे भी अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये प्रोसीजर आप मिक्सी से भी कर सकते हैं लेकिन सिलवट्टे से स्वाद बहुत बढ़ता है। यहाँ पर दूसरी साइड पे एक पैन में मैंने 1 क्यूब ऑफ बटर लिया है, इसकी जगह पे आप घी या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी काजू, ये बड़े वाले अखे काजू होते हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है, इसे हम एक डिश में निकालेंगे। अब उसी पैन में जो बटर रहता है बचा हुआ उसी में हम पनीर के पीसेस ऐड करेंगे, ये रेक्टेंगुलर पीसेस कट करेंगे क्योंकि जो ढाबे में इसी तरीके से कट किया जाता है। हमारा पनीर भून के रेडी हो चुका है। अब उसी पैन में हम 1 से 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। देखिए इतना ढाबा स्टाइल में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है घी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। जैसे ही क्रैकल होता है हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी चॉप्ड ऑनियन और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अनियन भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटोज कटे हुए और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो बॉइल्ड टमाटोज का पेस्ट, इसे मैंने सीक्रेट तरीके से बनाया हुआ है जो ढाबा वाले लोग अक्सर यूज़ करते हैं। इसकी जो रेसिपी है वो मैंने अपलोड की हुई है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम डालेंगे वो लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जिसे हमने सिलवट्टे पे अच्छी तरह से पीस लिया था, इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो फ्राइड अनियन का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड, ये जो कर्ड है ये मैंने रात को ही एक सूती या फिर मलमल के कपड़े में 3 से 4 घंटे के लिए रखा था और उसका पानी पूरा निकाल के ये मैंने कर्ड बनाया है, ये इसमें ऐड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम डालेंगे वो काजू का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से इन मसालों में भून लेंगे। और फाइनली हम डालेंगे खोया, ये 1/2 कटोरी खोया है, इससे जो टेस्ट है ना
ये दुगना हो जाएगा और सेम ढाबा स्टाइल आएगा। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और डालेंगे 1 चम्मच किचन किंग और चाट मसाला। और इन सारे मसालों का हम एक मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है उस मैजिकल सीक्रेट मसाले की। इसे डालने के बाद में ये जो सब्जी है ना, इसका जो स्वाद है वो एकदम ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आएगा। आप इसे एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, बिल्कुल मेरी गारंटी है ये सेम स्वाद देगा। फाइनली इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी। गुनगुना ही पानी ऐड करना है, इससे जो स्वाद है वो बना रहता है। ये करी हमारी बन चुकी है। लास्ट में हम वो भुने हुए काजू डालेंगे। लास्ट में हम डालेंगे वो रेक्टेंगल पनीर के पीसेस। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। फाइनली इसे ढाबे का लुक देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। इससे जो इसका लुक है वो सेम ढाबा स्टाइल आएगा। इसी तरह की नई नई रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।